ऑफ इंडिया में मैं अमरजीत कौर, खबर कश्मीर से। श्रीनगर पुलवामा के तबाह इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका को लेकर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। मुठभेड़ में दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हुई और 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों से एक SLR और एक राइफल बरामद हुई है। सैन्य बलों को उम्मीद है कि और भी आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं। ऐसे में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता शब्बीर खान से। शब्बीर, पुलिस और सेना के इस अभियान के बाद कैसा माहौल है इलाके में और सेना को क्या पुख्ता जानकारी थी इन आतंकवादियों के बारे में, बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। लेकर लेता हूँ आप, पुलवामा जो जनूबी कश्मीर में वाकया है, कठुए जो है पुलिस को एक मुहदिका इतला मिली कि कुछ मिलिटेंट्स इलाके में छुपे बैठे हैं, तो फौज ने इलाके को अपने मोहसले में ले लिया। तभी मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग कर दी, जिसके फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट को मार गिराया, जिनकी शिनाख्त शारिक और शौकत के बतौर हुई है, जो लोकल मिलिटेंट्स है जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। आपको ये भी बताते ले चलूं मैं, जो मिलिटेंट मारे गए हैं उन्होंने हाल ही में HM ग्रुप के साथ ज्वाइन किया है और वो काफी इलाके में काफी सरगर्म भी थे। तो उसके बाद जब मिलिटेंट मारे गए तो इलाके में तनाव उठा, वो पत्थरबाजों ने फोर्स पर पथराव किया, जिसके नतीजे में फोर्स ने पत्थरबाजों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में कई अफराद को चोटें आई, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। अभी तक वो खतरे से बाहर है और इलाके में अभी तक तनाव जारी है। जी, खबर नहीं है कि फोर्सेस या पुलिस के किसी हेलीकॉप्टर में इस एनकाउंटर में कोई चोट लगी है, इसकी कोई सूचना नहीं है। सेना फोर्सेस का कहना है कि इलाके में मतलब उनको कल सुबह आज सुबह ही मिलिटेंट्स की इनपुट्स मिली है कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे, क्योंकि साउथ कश्मीर आज ज्यादा मिलिटेंटों के लिए एक हब बना हुआ है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर ज्यादा सरगर्म है। तभी फौज कार्रवाई करते हुए आए रोज मिलिटेंट को वहां मार गिराते हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कश्मीर में सेना, CRPF और JNK पुलिस ने आतंकवादियों पर शिकंजा कसा हुआ है। श्रीनगर से शब्बीर खान की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।